हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक क्या? टॉपिक आप देखिए, संयुक्त वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में हमें गति देखनी है। तो हमने इसे पहले वाले वीडियो में आवेश कण की जो गति है उस पर बल, उस पर कौन सा बल लगेगा ये देखा, लंबवत गति देखी, समांतर गति देखी, अभी देखा था पिछले वीडियो में तिरछी गति। तो अब हम बात करेंगे कि संयुक्त वैद मतलब कि जब कण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति करेगा, एक साथ दोनों क्षेत्र लगेंगे, तब उसकी गति कैसे होगी। तो पहले बात कर लेते हैं इसके फिगर की। तो फिगर में हमने कौन कौन से अक्ष लिए? तीन अक्ष लिए हैं, एक्स अक्ष लिया है, वाई अक्ष लिया है, जेड अक्ष लिया है। तो वाई अक्ष के अनुदिश आपका वैद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है और जेड अक्ष के अनुदिश आपका कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है। तो वाई अक्ष के अनुदिश जो बल लग रहा है एफई, वो वाई मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, और जो जेड अक्ष के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लग रहा है वो एफ बी, इसके लंबवत लग रहा है एफ बी। ठीक है, तो कण की गति किस ओर है? एक्स अक्ष की ओर। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसकी, धीरे धीरे इसकी रचना समझते हैं। तो क्या होगा कि जब आवेशित कण गति करेगा तो वो कैसी गति, जब आवेशित कण मान लीजिए क्यों गति कर रहा है तो वो कैसी गति करेगा? लंबवत गति करेगा। तो उस पर जो लगने वाला बल है वो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण लगेगा। तो अब बात करें इन इस पर दो, जब दो बल लग रहे हैं तो किस साइड, वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल उसी दिशा में लगेगा, क्योंकि ये जो बल है एफई वो स्थिर वैद्युत बल है, तभी एक ही दिशा में लगेगा, और इसमें जो बल लगेगा वो लंबवत लगेगा। तो जब एक्स अक्ष में गति कर रहा है कण, जो आपका एक्स अक्ष में गति कर रहा है, तो उसमें जो लगने वाला वैद्युत बल है वो क्या हो जाएगा? वैद्युत बल एफ ई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। तो जब एक्स अक्ष पर बल लग रहा है तो वैद्युत बल क्या हो जाएगा? एफ ई, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। इस पर लगने वाला बल किसको, किससे डिनोट करते हैं? एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई, इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक। अब जब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, विपरीत दिशा में कैसे लगेगा, जब वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, विपरीत दिशा में बल कौन सा है आपका? चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल जो जेड अक्ष पे लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल को हम क्या, कैसे डिनोट करेंगे? एफ बी। बी से क्या होता है? बी चुंबकीय बल है। तो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बी इज इक्वल टू क्यू बी, क्यू वी बी। ये वाला फॉर्मूला हमने जब लॉरेंट्ज बल ज्ञात किया था, तो जब साइन थीटा क्या हो गया था? एफ इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। तो जब लंबवत था तो थीटा क्या था? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या था? 90 डिग्री। तो क्यू वी बी साइन थीटा था। तो जब हम इसको पूरा तोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो एफ बी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? क्यू वी बी। इसको हम मान लेते हैं आपकी इक्वेशन सेकेंड। तो ये हमने थीटा का मान क्यों निकाला? क्योंकि इसमें जो लग जो कण है वो कैसी गति कर रहा है? लंबवत गति कर रहा है। अभी यहाँ पे जो बल लग रहा था वो समांतर के कारण, और यहाँ पे जो बल लग रहा है वो किसके कारण? लंबवत के कारण। तो क्या हो जाएगा कि जब कण एक ही दिशा में गति कर रहा है तो वो संतुलन की स्थिति में, जब कण क्या कर रहा है? एक ही दिशा में गति कर रहा है। किस दिशा में गति कर रहा है? एक्स अक्ष में। तो कण क्या हो जाएगा? कण कैसा है? संतुलन की स्थिति में, मतलब उसकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। एक्स ई अक्ष में वो गति कर रहा है, ना कि वाई अक्ष में, ना वृत्ति गति तो कर नहीं रहा कि पूरे में गोल गोल घूमेगा, एक ही एक दिशीय गति है उसकी, वो संतुलन की स्थिति में। जब संतुलन की स्थिति में, तो हम क्या करेंगे? समीकरण एक और दो से, समीकरण ये एक है और ये दो है, तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए आप, क्या बात हो रही है कि जब कण क्या है? संतुलन की स्थिति में, तब कण की गति कैसी हो जाएगी? तो कण की गति कैसी हो जाएगी? एफ ई इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ई का मान क्या था? एफ ई का मान है क्यू ई, और एफ बी का मान है क्यू वी पी। तो चलिए मान पुट कर लेते हैं। तो एफ ई का मान है क्या? क्यू ई, और एफ बी का मान क्या है? एफ बी का मान है क्यू वी बी। तो भाई क्यू तो दोनों साइड सेम है, तो क्यू से क्यू कैंसिल, और आ क्या जाएगा? ई इज इक्वल टू वी बी। तो हमें किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपके किसकी, कण की बात कर रहे हैं। तो कण को हम किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। तो वी के पद में निकालेंगे, तो वी के पद में कैसे निकालेंगे? वी को इधर ही रहने देंगे, बी को कर देंगे इसके पक्ष में, ई अपॉन बी। तो ये निकल के आया, जब कण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति कर रहा है तो कण कैसा है? संतुलन की स्थिति में, क्योंकि वो एक्स अक्ष में गति कर रहा है।
तो ये फॉर्मूला निकल के आया, जब कण वैद्युत पर बल जो लगने वाला है वो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण लग रहा है। तो आई होप आपको ये संयुक्त वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में जो आवेशित कण की गति है उसका ये डेरिवेशन समझ में आया। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।